से आप देखते हैं सर, विपक्ष इस बजट को ये कह रहा है कि केवल आंकड़ों की कलाकारी है, इसमें कुछ नहीं है और कर्जा बढ़ गया प्रदेश को। लगभग 1,90,000 करोड़ का जो आज बजट वित्त मंत्री के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री ने पेश किया है, इस बजट ने ये दर्शाया है कि प्रदेश के चौमुखी विकास और खास तौर पर जो बात मैंने कल विधानसभा में करी थी कि मैक्सिमम सपोर्ट फॉर पीपल की सोच के साथ हमारी सरकार ने कदम उठाए। और आज सबसे बड़ा फैसला जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े फार्मर्स थे, जिनके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टीज की वजह से कर्ज दर बढ़ी, उनको एक बहुत बड़ी राहत देने की जो घोषणा करी गई है, मैं मानता हूँ कि ग्रामीण अंचल से जुड़े किसानों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस घोषणा से मिलेगा। वहीं दूसरी ओर पर पिछले वर्ष से भी बड़ी मात्रा में इरिगेशन कनाल्स की रीडेवलपमेंट के लिए जो फंड रखे गए, वो हमारा जो टारगेट है कि अंतिम छोर तक पानी को पहुंचाना और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से बेटर क्रॉप आउटपुट को आगे ले जाने को अचीव कर पाएगा। वहीं 7,000 किसानों को पहले सुविधा देनी और 7,000 के लिए नई प्रोविजन सोलर पंप्स की बनानी, ये रूरल बेल्ट के अंदर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा साथ देगा। फिशरीज हो या और अलाइड हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हो, उनके लिए स्पेशल योजनाओं की शुरुआत करनी हो, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से कैसे बोटेनिकल गार्डन्स डेवलप हो, और तो और पावर सेक्टर में जो छोटा यूटिलाइजर था जिसके 200 यूनिट से कम बिजली की यूटिलाइजेशन थी, उसके ऊपर एक फिक्स चार्ज लगा करता था, आज उसको वेव ऑफ करना, मुझे लगता है आम आदमी को बिजली की दरों में और रियायतें देने का काम सरकार ने किया है। साथ के साथ भविष्य की जो डेवलपमेंट्स है उसका ध्यान भी सरकार ने रखा है, और भविष्य के अंदर जैसे माइक्रोबायोटिक्स हैं, आज तेलंगाना हो, गुजरात हो, उनके बजट के अंदर माइक्रोबायोटिक्स पे कदम उठाए गए, मगर उसके साथ साथ हमारी सरकार की माइक्रोबायोटिक्स पॉलिसी की आज घोषणा होना ये अपने आप में दिखाता है कि आने वाले भविष्य की टेक्नोलॉजी पे भी हरियाणा काम कर रहा है। साथ में एमएसएमई के माध्यम से नए स्टार्टअप्स को कैसे वेंचर कैपिटल फंड का सपोर्ट दिया जाएगा, ड्रोन डेवलपमेंट के लिए कैसे कॉर्पस रखा जाएगा, ये दिखाता है कि हम हर उस व्यक्ति को जो नए भविष्य की टेक्नोलॉजी को प्रदेश की धरा पर लाने की सोच रखते हैं उनको सपोर्ट करने में आगू है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 4 सालों में 20,000 किलोमीटर से ऊपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया, और इस बजट के अंदर एक वर्ष में 9,000 किलोमीटर एडिशनल दुरुस्तगी का जो ऐलान किया है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। हमारे एविएशन सेक्टर के लिए देश के अंदर शायद वन ऑफ इट्स काइंड होगा कि सिविल एविएशन कॉलेज के निर्माण जीजेयू के साथ हिसार महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर जो करने की आज घोषणा करी है, ये मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन देगा एरोडायनामिक्स को, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को, और साथ ही साथ जो हम विदेशों में डिग्रियां करके आते थे, आज हमारे देश के अंदर हरियाणा प्राथमिकता लेगा वो डिग्रीज की शुरुआत के लिए। वहीं नई हवाई पट्टियां 3 प्रदेश के अंदर बने उसकी घोषणा, 8 हेलीपैड्स स्थायी हमारे जिलों में बनेंगे, और उसके साथ साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो हेली हब की परियोजना थी उसके लिए स्पेशल फंड रखने, मैं मानता हूँ एविएशन सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट देने का काम करेगा। दृश्य के माध्यम से ड्रोन डेवलपमेंट के ऊपर भी प्रदेश में कोर्सेज चलाए जाएंगे, इवन हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हमारी माताओं बहनों को ड्रोन्स उपलब्ध कराकर गांव के एग्रीकल्चर सेक्टर में 500 नए ड्रोन्स उपलब्ध कराना, ये अपने आप में एक सेक्टर को विकसित करने में बहुत सहयोगी भी रहेगा और सफल परीक्षण भी रहेगा। वहीं 100 करोड़ रुपया हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, हमने पीछे नारनौल के अंदर बीरबल के छत्ते को रीमॉडल कराया, 7 करोड़ रुपये लगे,
महाराज एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर नारनौल में बीरबल के छत्ते की पहचान बढ़ी है। वैसे ही हमारे पास आउटलाइट लगभग 70 ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिनको आज रिवैम्प करने की जरूरत है, और उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखना, मैं मानता हूं कि उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को और विकसित करने में हमारा सहयोग करेगा। साथ में पशुधन के लिए नए 8 अस्पताल, उसके साथ साथ ब्लॉक लेवल पर डिस्पेंसरीज का निर्माण करना, और तो और गांव लेवल पर भी पशुधन का इलाज समय पर हो मोबाइल डिस्पेंसरी की शुरुआत करनी, एनिमल लाइफ स्टॉक को एक बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। जो कदम 3 साल पहले हमने अमृत सरोवर का उठाया था, उस कदम के अंदर अब लगभग हम 1600 से ऊपर तालाबों को सौंदर्यकरण की ओर ले जा पाए, मगर इस बजट के अंदर 2500 और तालाब ऐड करना उसके द्वितीय परियोजना के अंदर, ये दर्शाता है कि ग्रामीण स्वच्छता के ऊपर सरकार कैसे काम करेगी। और एक कदम जो हमने उठाया था कि 10,000 की आबादी के गांव को महाग्राम योजना के तहत सीवेज से जोड़े, सफाई की व्यवस्था बनाए, आज उसको घटाकर 7,500 की आबादी पर करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि गांव की स्वच्छता को शहर की स्वच्छता के बराबर सरकार अपनी प्राथमिकता के साथ कर रही है। शहरी निकायों के अंदर भी नए सीवेज लाइन की व्यवस्था कराना और करोड़ों हजारों करोड़ के निवेश उस व्यवस्था को सुधारने के लिए, और जो अप्रूव्ड कॉलोनीज हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए जो सरकार ने करी है, मैं मानता हूं कि अर्बन एरियाज को भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और मुझे खुशी है कि जैसे हमने पंचायती राज एक्ट में 4 साल पहले प्रावधान किया था कि किसी का 200 गज का प्लॉट है और वो पंचायत की जमीन पे 20-30 सालों से काबिज था, उसको हम कदम से हजारों ऐसे लोग होंगे जो अपने इस बजट के अंदर छोड़ा नहीं है, चाहे वो गृह विभाग को और आधुनिक करने की बात, चाहे हमारे लेबर और श्रम के माध्यम से नई इंडस्ट्री स्थापित हो, और तो और 10,000 एकड़ का लैंड बैंक्शन अनाउंसमेंट करी है, ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रदेश प्रगति और विकसितता के कदम पर आगे बढ़ रहा है। मैं तो धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री का कि जिनने प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को छूने का इस बजट में काम किया। सर, नहर पानी को लेकर एक एमओयू राजस्थान से साइन हुआ, एक जो कर लगता था नहरों का पानी यूज करने को लेकर, उसको लेकर भी कुछ बजट में है। बहुत अच्छा निर्णय है कि जो माल आबदाई करी जाती थी अंग्रेजों की हुकूमत से, और नहरी पटवारी और नंबरदार की जिम्मेवारी होती थी कि प्रत्येक एकड़ फार्मर से साल में 2 बार पैसा इकट्ठा किया जाता था, उस अंग्रेजी हुकूमत के इस निर्णय को आज हमारी विधानसभा में इस बजट में हमने निरस्त करने का काम किया है। और मुझे लगता है इससे प्रत्येक किसान, चाहे वो एक मरले का हो, चाहे वो बटिसेज और इस तरह की रिकवरी नोटिसेज उसको आने बंद हो जाएंगे। उसके साथ जो राजस्थान सरकार के साथ एमओयू हुआ है, ये एमओयू के ऊपर मुझे लगता है सोमवार मंगलवार को मुख्यमंत्री खुद, क्योंकि उनका विभाग है, एक विवरण इस चीज पर अलग से दे देंगे। मगर मैं मानता हूं कि अगर सरप्लस पानी है और सरप्लस पानी मानसून के सीजन में यमुना की धार से गंगा में मिलकर और बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, अगर वो किसी के पीने के काम आता हो, कहीं सिंचाई के काम आता, तो मुझे नहीं लगता इसमें मुझे और आपको कोई चीज का नुकसान होगा। हरियाणा सरकार ने 24,000 क्यूसिक जो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेबल होगा उसके ऊपर प्रोराटा बेसिस पर पानी देने की बात करी है, ना कि ये कहा है कि प्रपोर्शन में दिया जाए। अगर हमारे पास सरप्लस पानी है और ताजेवाड़ा हेड पर राजस्थान अपने खर्चे से बैराज की विशेषता करता है, तो जरूर वो अपनी व्यवस्था बनाए। और मुझे जितना संज्ञान है कि ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, राजस्थान सरकार को 35,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में आएगा, और अगर कर पाएंगे तो बिल्कुल। मैं राजस्थान में जब चुनाव में था तो जो मरुस्थल का एरिया बोला जाता है, शेखावटी का एरिया बोला जाता है, उस पूरे इलाके में पीने के पानी की संचालित व्यवस्था बना पाएंगे। सर, एक और बड़ा फैसला लिया है कि जो शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, पहले 50 लाख। मैं अभिनंदन करता हूं, और ये बहुत लंबी मांग थी क्योंकि हमारे नेबरिंग स्टेट्स ने, पंजाब ने, दिल्ली में पिछले वर्षों में ये बढ़ाई गई,
हरियाणा ने भी 25 से 50 रिसेंटली करी थी और आज उसको 50 लाख को 1 करोड़ प्रति परिवार की जो घोषणा करी है ये बहुत ऐतिहासिक है। मुझे लगता है हमें गर्व है कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के और पैरामिलिट्री के अंदर हर 10वां आदमी हरियाणा की धरती से जाता है और उस देश सेवा के अंदर अगर कोई त्रासदी हो जाती है तो उसके परिवार को सपोर्ट करने में हमें बेहद खुशी है कि हमारी सरकार कर पाई। देखो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि हमारा जो रेवेन्यू इंक्रीज है वो लगभग एवरेज 16 से 22% आया है अलग अलग महकमों के अंदर और मैं मानता हूं कि जो इंक्रीज आया है आज उसका नतीजा है कि उस इंक्रीज के साथ हम हरियाणा प्रदेश के लोगों को और बेहतर सुविधाएं दे पाए। मैं तो कांग्रेस के साथियों को कहूंगा कि आपके पास 2 दिन चर्चा के लिए बड़े अच्छे विस्तारित हैं, फैक्ट्स लेकर आइए और आकर वहां पर इस पे चर्चा करिए, एक एक पॉइंट पर सरकार जवाब भी देगी। आज जो हमने कदम उठाए और ऐतिहासिक उठाए हैं उसकी जरूर सराहना करने का काम करें। मैं तो पवन जी आपको एक फैक्ट बता सकता हूँ कि 4 साल पहले सिविल एविएशन का जो बजट था वो 100 करोड़ से कम था, आज वो 4000 करोड़ चला गया। आज मेरे को 9000 किलोमीटर सड़कों का दोबारा दुरुस्तगी का बजट के अंदर प्रोविजन, किसी भी हिस्से के अंदर बजट में कटौती के अंदर देने का। करोड़ रुपया टोटल अमाउंट है और उस पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज जो है वो 1700 करोड़ है। फार्मर तो हर क्रॉप सीजन के बाद अपना कृषि कार्ड रिन्यू कराता है और कई रिन्यू कराने रह जाते हैं, इसी कारण उनके प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स के ऑर्डर भी समय अनुसार दिए जाते हैं। उससे एक बारी में निपटारा देने के लिए सरकार ने योजना बनाई और मैं चाहता हूं कि फार्मर मूल भर के अपना दोबारा रिन्यू करा ले और जो इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज थी उसको सरकार 1700 करोड़ के लगभग है वेव ऑफ करेगी। चलो उनने क्या करे थे और उनने प्रदेश को किस हालत में, वो तो कल भी सुना होगा आपने सदन में, मारुति तो मैं लाया था, अगर लाए होते तो गुजरात गई होती उनके राज में, उनके ससुराल में लाके तो मैंने छोड़ी। आज मटिंडू के साथ लगते हुए आईएमटी के अंदर अगर मारुति आई है तो हमारी सरकार की योजनाओं की वजह से आई, कांग्रेस के कुशासन में तो लाठियां चली थी, गोलियां चली थी। प्रदेश के चौमुही विकास के लिए ऐतिहासिक रहेगा और मुझे लगता है सूरज कुंड के मेले को साल में 2 बार करने से जो और ऐसे हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट के, आर्ट एंड कल्चर के जुड़े लोग हैं उनको और विकसित करने में हमें सहयोग मिले। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना जो है उस पर काफी सवाल उठे, टोटल को लेकर भी सवाल उठे। अब 10 लाख के करीब किसान है जो रजिस्टर करवाते हैं साल में और आप पैसा भी डीबीटी कर रहे हैं। मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपया 14 फसलों का एमएसपी का हमारी सरकार ने डीबीटी के माध्यम से किसान को दिया है। मेरे पड़ोस में पंजाब के मुख्यमंत्री का निवास है, मैं तो उनको सुझाव देता हूं हमसे रेप्लिकेट करो, सीखो और अपनी स्टेट में इंप्लीमेंट करो, आज किसान समृद्ध भी होगा और किसान को तरक्की भी मिलेगी। पंजाब के सीएम की आपने बात कही, वो कह रहे हैं कि अगर हरियाणा सरकार किसानों को दिल्ली जाने देती तो ये स्थिति पैदा ना होती और हरियाणा सरकार जो है। चलिए उनकी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो उसको मैनेज करे। सर आपने बात फरीदाबाद की है, चर्चाएं हैं क्या फरीदाबाद के तिगाव सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? मेरी चर्चाएं छोड़ दो, कहां से लड़ूंगा।